हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स में 22। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोई भी बैंक का ब्रांच जनसंख्या के आधार पर किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर जनसंख्या 10,000 से कम है तो रूरल में आता है, अगर जनसंख्या 10,000 से लेके 1,00,000 तक है तो सेमी अर्बन, उसके बाद 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में अर्बन, फिर आपको मेट्रो में 10,00,000 से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए। तो इसी के आधार पर बैंक का ब्रांच कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कोई भी बैंक का ब्रांच किस कैटेगरी में आता है, उसको ऑनलाइन कैसे देखा जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SBI ब्रांच का अगर डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आपको फुल डिटेल्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिया रहता है कि वो किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन या मेट्रो में ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया रहता। तो मैं आपको अलग एक वेबसाइट बताऊंगा जो कि RBI का है, आप वहाँ से कोई भी बैंक का ब्रांच का कैटेगरी निकाल सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करने के 4 मेथड मिलते हैं। जो पहला है, सेंटर या डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बैंक है आपका वहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद अगर ब्रांच कोड मालूम है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर एड्रेस मालूम है, एग्जैक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे इंटर करके भी आप सर्च कर सकते हैं सबमिट पे क्लिक करते हुए। उसके बाद अगर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज में देखना है और बैंक वाइज को लेके देखना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको 2 मेथड बताऊंगा। अगर आप ब्रांच कोड से सर्च करना चाहते हैं तो आपको पासबुक में ब्रांच कोड मिल जाएगा कोई भी बैंक का। तो अगर आपके पास ब्रांच कोड नहीं है तो IFSC कोड के जरिए भी आप ब्रांच कोड निकाल सकते हैं। लास्ट 5 डिजिट जो होता है वो ब्रांच कोड होता है किसी भी बैंक का ब्रांच का। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, 12548 कोई भी एक बैंक का IFSC कोड है, और मैं इंटर करता हूँ। तो चलिए मैं ब्रांच कोड यहाँ पे इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट 3 शो हुए हैं, और जो मेरा ब्रांच है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12548 जो कि ब्रांच कोड है, और 0012548 पार्ट 1 कोड है, और जो पॉपुलेशन ग्रुप है वो रूरल में आता है। तो इसी तरह से आप कोई भी बैंक का ब्रांच किस पॉपुलेशन ग्रुप में आता है आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ सर्च करने का। तो मैं फिलहाल न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पहले ऑल स्टेट को डिसलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद ऑल डिस्ट्रिक्ट पे जो चेक किया हुआ उसको अनचेक करेंगे, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे, उसके बाद ऑल बैंक पे जो चेक किया हुआ है उसको डिसलेक्ट करेंगे, फिर आपको अपना बैंक यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए मैं SBI का बैंक चूज कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI का ये है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मेरा जो ब्रांच कोड था 12548 था, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा 12548। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12548 है, और जो पॉपुलेशन ग्रुप है रूरल है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और टेक वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।